हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी केएमपी पर की दिल्ली सेक्शन की, जो स्टार्ट होता है महारानी बाग से और मीठापुर में ख़त्म होता है। आप सामने देख पा रहे होगे, ये है आरआरटीएस की लेन, जो यहां पर आरआरटीएस का काम चल रहा है। और जस्ट इसके ही थोड़ी सी दूरी पर बारामूला फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है। काफ़ी काम कम्प्लीट हो चुका है बारामूला फ्लाईओवर का। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, आपका भाई इसकी वीडियो लेके आएगा। अभी मैं अपडेट देने वाला हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। इसकी लेंथ की बात करें, इसके सेक्शन की बात करें, तो आपके स्क्रीन पर है, देखिए लेंथ और सेक्शन, पैकेज वन, पैकेज टू, पैकेज थ्री का पूरा अपडेट। दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी कैंपस पर, और देखिए आप सामने। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, बनने के बाद में कैसा दिखने वाला है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ आपके। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ऐसा बनने वाला है, कुछ बनने के बाद ऐसा दिखने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊं, ये महारानी बाग से स्टार्ट होगा मीठापुर के पास, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है ना, वहाँ पर ख़त्म है। और वहाँ तक मैं आपको आज अपडेट देने वाला हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पर हम बात करें अगर काम की, तो काम का पूरा देखिए आप, पिलर बन के तैयार हो चुके हैं और पिलर कैप का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कर लिया गया है। और यहाँ पर एक दूसरे से पिलर कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, एक दूसरे से पिलर कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी की वीडियो रिलीज़ हुई है इसी स्पर के ऊपर, उन्होंने बताया अक्टूबर या नवंबर तक ये बनके पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम कर लिया गया है। अर्थवर्क का जो काम आप देख पा रहे हैं, वो अर्थवर्क का काम काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है एलिवेटेड सेक्शन। एलिवेटेड सेक्शन दोस्तों ये देखिए, और मैं आज आप बात करूँ, ये 2.4 लगभग बनके तैयार हो चुका है एलिवेटेड वाला सेक्शन। दोस्तों देखिए यहाँ तक बनके तैयार हो चुका है एलिवेटेड सेक्शन, लेकिन आगे का जो काम है, आगे लगाया जाएगा स्टील ग्रिडर्स। दोस्तों आप देखेंगे आगे जो है स्टील ग्रिडर्स लगाए जाएंगे दोस्तों, और आगे सामने आप देख पा रहे हैं सामने ग्रिडर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर स्टील ग्रिडर्स लगाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ से हल्का सा राइट टर्न किया जाएगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर को, जिसे डीएनडी केएमपी स्पर भी कहा जाता है। और मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा आगे की तरफ, आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चार जगह मेट्रो को क्रॉस कर रहा है दोस्तों, और मैं आपको दिखाऊंगा, पहली जगह ये है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है मेट्रो को। देखिए ग्रेडर लॉन्चिंग का जो मशीन है वो लगाई गई है यहाँ पर, और आगे देख पा रहे होगा पिलर कैप का काम काफ़ी कंप्लीट कर लिया गया है। पिलर कैपिंग का जो काम है वो कर लिया गया है। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की आप देखिए, नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जब ये बन जाएगा ना दोस्तों, तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ना, काफ़ी राहत मिलेगी दिल्ली वाले लोगों को और जो साइड जो लोग रहते हैं उनको भी। यहाँ पर देखिए पिलर बनके तैयार हो चुके हैं, पिलर कैप का काम यहाँ पर अभी नहीं हुआ है दोस्तों।
मैं बताऊं आपको, 7,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का डीएनडी कैंपस। पर आगे के जो आप काम देखेंगे ना, आपका भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आगे जो काम का प्रोसेस है ना दोस्तों, आगे मैंने पिछली बार आपको करीब 6-7 महीने पहले अपडेट दी थी जब आपने देखी थी, लेकिन मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ की भी अपडेट जल्द ही दूंगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप काम का प्रोसेस देखिए, यहाँ पर जो है पिलर का काम किया जा रहा है, अभी पिलर का निर्माण जो है वो अभी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी पिलर बनके तैयार नहीं हुए। पिलर बनेंगे, फिर पिलर कैप का काम होगा, फिर ग्रेडर एक दूसरे से पिलर कनेक्ट होंगे, फिर ग्रेडर लॉन्चिंग होगा। मतलब यहाँ पर अभी काम का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जो आगे का प्रोसेस है ना, हरियाणा के उस साइड का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कम्प्लीट हो चुका है ना। जब आप उस पर ड्राइव करेंगे ना, सच में मज़ा आ जाएगा आपको। और जब ये बनके तैयार हो जाएगा ना, 6 लेन का डीएनडी केएमपी इस पर, तो आप इस पर भी ड्राइव करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होगा आप सामने, हम लेके चल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे का सेक्शन जो आपको दिखाते रहेंगे, आगे बताते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो काम का प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट कर लिया गया है दोस्तों। नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए सामने देख पा रहे हो आप, यहाँ पर जो है अभी जो पिलर का निर्माण है वो आगे कम्प्लीट कर लिया गया है। इन पर पिलर कैप का जो काम है वो अभी रह रहा है। सामने जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी और हमारी, वहाँ तक पिलर बनके तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से दोस्तों। हम लेके चलते हैं आगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिलर कैप का काम भी अब आपको देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर पिलर कैप का भी काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट कर लिया गया दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी मेट्रो नीचे से जा रही है और डीएनडी कैंपस पर ऊपर से जा रहा है। आप काम का प्रोसेस यहाँ पर देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। आगे जो है वो ग्रेडर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। ग्रेडर लॉन्चिंग की मशीन लगाई गई है आगे, देखिए। और आगे जो है आगरा कर्नल भी है आगे, उसके अंदर भी एक पिलर निर्माण का काम किया जाएगा। अभी वहाँ पर कुछ भी नामो निशान नहीं है, लेकिन बनेगा जल्दी, देखिए। ग्रेडर लॉन्चिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक गिव अवे बताया था। उस गिव अवे में कोई, मतलब हर किसी के कमेंट पर लाइक है, वो गिव अवे इस कमेंट पर भी है, इस वीडियो के ऊपर भी है। अगर आप कमेंट करते हैं कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, आपके कमेंट पर एक भी लाइक नहीं आता है, तो आपको आईफोन मिलेगा। नीचे क्या करना है आपको, आपको करना है पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट करना है कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। 24 घंटे तक अगर आपके कमेंट पे एक भी लाइक नहीं आता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम पेज जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए आप काम का प्रोग्रेस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।